में पड़ता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ यार? काला रहे हैं यार। अबे साले, अभी कुछ कहना चाहेंगे क्या? कमेंट भी करिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मुक्तेश्वर धाम, जो मंडीदीप में पड़ता है, और हमको तो नॉलेज नहीं है, ये लेकर जा रहे हैं, बोले कि वहाँ बढ़िया बढ़िया मतलब मूर्ति है। तो चलिए कुछ इनसे पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए, चल के देखते हैं वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अरे यार चलिए यार, शाम हो गया तो इसी मोबाइल में लगे रहते हैं आप, कुछ काम कोई काम जल्दी नहीं हो सकता है। अब फिर ही आ गया, फिर तुम आ गया, फिर देखो यहीं पे खड़ा है, दे देंगे एक शॉट फिर से। और ये लगी पड़ी अपनी रॉकेट, हमारी सवारी। तो गाइस अभी जा रहे हैं इस पे हम लोग तीन लोग, और इसको में जगह है दो लोग पे, समझ लीजिए। ऐसा ऐसा लोग जा रहे हैं, हम लोग तीन जा रहे हैं, कैसे कैसे जाते हैं वो देखिए, ऊपर से दिख रहा है सिस्टम फटा है उनका, ऊपर दोनों में इशारा चल रहा है। तो गाइस जा रहे हैं हम लोग, अभी रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर धाम, देखिए बिल्कुल सामने ये है। वाह वाह, क्या गजब है, बहुत ही बड़ा है। कितना फीट क्या है, कितना फीट फीट फाट नहीं जानते हम, लेकिन बहुत बड़ा है। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपने लोकेशन पे। तो गाइस पूरे भारत में जितने भी शिवलिंग स्थित हैं तो वो यहाँ पे लोकेशन के साथ बनाए गए हैं, देख सकते हैं दीवार पे। तो एक एक करके बताएंगे सभी के बारे में, कहाँ कहाँ लोकेशन है, तो बने रहिए। और पूरा जैसा वहाँ पे है मतलब कि मंदिर में, वैसा ही यहाँ पे शिवलिंग दर्शाया गया, दर्शाया गया। हाँ तो एक एक करके अभी बताएंगे, और बताने वाले हैं यही दोनों। तो चलते हैं, आप बताते हैं। स्थापित है घनेश्वर महादेव महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। दूसरे अपने यहाँ पे चलिए, एक मिनट यार, काला रहे हैं यार, हम क्या कर सकते हैं, काला रहे हैं, मेरा क्या गलती है इसमें? तो सभी साफ सही कर देंगे यार, सुनो तो पहले मैं बोल रहा हूँ। गोरा करते हैं, जाओ तुम जाओ, आप बताओ। और ये है रामेश्वरम अपना तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। आगे बढ़िए, तीसरे चलिए नागेश्वरम गुजरात में, गुजरात में। और आगे बढ़िए, चौथा चलिए अपना बैजनाथ धाम झारखंड में स्थित है, जिसको क्या कहते हैं, कौन से बोला जाता है, बाबा धाम, बाबा धाम से प्रसिद्ध है बैजनाथ। त्रिलिंगेश्वर महाराज, क्या 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 क्या, फिर से त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर। चलिए अपना महाराष्ट्र में, हम गए नहीं है, गए नहीं, हम तो पता है नहीं गए आप, हम जहाँ नहीं गए वहाँ नहीं गए आप। विश्वनाथ मंदिर अपना उत्तर प्रदेश, इसको काशी नहीं बोल सकते, ये बाहर से दर्शन किए हैं। अच्छा बाहर से, अंदर नहीं देखे, ट्रेन से ही मतलब। हाँ वही ट्रेन से, हाँ, सामने, सामने मिल जाते, पता है यही हो सकता है। और अपना ये है बाबा भीमा शंकर, भीमा शंकर जो महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में बहुत स्थित है ना, दो तीन शिवलिंग मतलब है, बड़ा स्टेट भी तो है, नामी चर्चित। अच्छा अपने ये देखो केदारनाथ जी, यहाँ जाने का जुनून सपना, करता हाँ, है। सही बोल, सपना तो है यहाँ जाने का, बुलाएं पहुँच जाएंगे, जब बुलावा आएगा पहुँच जाएंगे। और जो ये है अपना ओमकारेश्वर, ओमकार देश, हाँ यहाँ पे गए, जा चुके हैं, यहाँ पे जा चुका हूँ, यहाँ का ब्लॉग भी डाला हुआ है चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जाके चेकआउट करें। महाकालेश्वर उज्जैन, यहाँ भी गए हैं, यहाँ भी जा चुके हैं, साथ में भी गए हैं, ये नहीं गए, ये नहीं गए, जाने वाले हैं, नंबर लगा हुआ। अच्छा और अपना ये है मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो अभी तक गए नहीं किए, वही ना, कब घूमेंगे यार। ये सोमनाथ गुजरात, गुजरात में, यहाँ भी नहीं गए,
हाँ भाई टोटल हो गए 12। क्या बात है, इतना अच्छा एक्सप्लेन किए हैं आप। उतना अच्छा नहीं आ रहा लेकिन आँखों से बहुत। हाँ कैमरा से वो नहीं दिखा सकते जो आँख से देख सकते हम लोग। वही ना देखें कितना फीट के हैं, मतलब आपको पता है आइडिया है कुछ? अनुमान नहीं है, फिर भी बहुत लंबे दिख रहे हैं। लंबे दिख रहे हैं मतलब इधर रहते हैं आपको ये भी पता नहीं है यार कैसे? नहीं है ना। और ये इनके द्वारा बनवाया गया था प्रभु दयाल मारन जी जज साहब। हमारे 10 गुना ज्यादा लग रहा है। और फिर 10 गुना ज्यादा है, उससे ज्यादा है जो हम 5.5 फीट गए हैं। वो बता जाते हैं तो वो पैर के नीचे भी दब जाते हैं। पैर के नीचे आप 2 हो जाएंगे तब जाएंगे पैर के पास। 70-80 फीट आराम से होगा। आराम से 70-80 आराम से होंगे। आराम से होंगे किसान के सामने। यहाँ बैठने के लिए भी बना हुआ है। ये लोग नंबर में लगे हुए हैं। नंबर में लगे हैं मतलब क्या? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अरे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हैं? और ये लगी पड़ी हमारी रॉकेट। तो स्टॉप करते हैं, वीडियो को स्टॉप करें। कुछ और कहना चाहेंगे के बारे में? पिटा जाएंगे फिर। पिटा जाएंगे? नहीं आप तो बोल रहे थे अभी उन लोगों का क्या है? नंबर में लगे हैं। सोचिए वो सुन के बोलेंगे कुछ तो पिटाना चालू हो जाएंगे। नहीं नहीं तो ये देखिए दीवार पे टैटू बनाया हुआ है। अपनी खाट पर मुट्ठी भर गांठ में बदल जाओगे जब वो। ये देखिए जिनको घमंड है वो ये पढ़ लीजिए। जो घमंड करते हो अपनी खाट पर मुट्ठी भर गांठ में बदल जाओगे जब पहुंच घाट पर। हर हर महादेव। ये आप ही के लिए लिखा है? बहुत घमंडी है आप। ईगो सभी के लिए लिखा है, भारत में पूरा वर्ल्ड के लिए लिखा है, लिए लिखा है। हमें लगा आपके लिए लिखा है। मेरी दुनिया माँ से शुरू होती है होकर महादेव पर खत्म होती है। हर हर महादेव। तो गाइस यही थे, देख चुके हैं पीछे महादेव महादेव। तो आज का ब्लॉग यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी कुछ कहना चाहेंगे क्या? कमेंट भी करिए, कमेंट भी करिए, इनके लिए कमेंट करिए। तो धन्यवाद पूरे भारत।